इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेटर, डेट एंड टाइम एंड गैजेट्स के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले समझते हैं कैलकुलेटर के बारे में। कई बार आपको कंप्यूटर पर काम करते समय कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में आप दोनों का अलग अलग उपयोग करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर पर काम करते हुए कैलकुलेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। यानी आपको अलग से कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स दिखाई पड़ेगा। इसमें टाइप करें कैलकुलेटर। जैसे ही आप CAL टाइप करेंगे, सबसे ऊपर कैलकुलेटर का आइकॉन दिखाई पड़ेगा, साथ ही उसका नाम भी लिखा होगा और ये सिलेक्टेड भी होगा, तो एंटर प्रेस करें। ये देखिए स्क्रीन पर कैलकुलेटर आ गया है। अब आप जिस तरह सामान्य कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही इसका उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपको भाग देना है, गुणा करना है, घटाना है या जोड़ना है, तो ये सभी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आप 70 में 4 का गुणा करना चाहते हैं, तो इस कैलकुलेटर में दिखाई दे रहे नंबर्स में माउस से 7 और 0 पर क्लिक करके गुणा करने के लिए स्टार के निशान पर क्लिक करें और फिर 4 पर क्लिक कर दें। अंत में बराबरी यानी इक्वल के निशान पर क्लिक करें। ये देखिए रिजल्ट 280 आ गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखें, आप चाहें तो कैलकुलेटर में नंबर्स, प्लस, माइनस और अन्य कैरेक्टर्स टाइप करने के लिए अपने कीबोर्ड में दी गई कीज का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप कैलकुलेटर का उपयोग बहुत तेज गति से कर पाएंगे। यहाँ आप जो कैलकुलेटर देख रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यानी साधारण कैलकुलेटर की तरह दिखने वाले फॉर्मेट पर सेट है। आप चाहें तो व्यू पर क्लिक करें और यहाँ दिखाई दे रहे किसी भी अन्य एडवांस्ड फॉर्मेट को क्लिक करके उसमें कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। अब क्रॉस के निशान पर क्लिक करके हम इसे बंद कर देते हैं। अब समझते हैं डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज का उपयोग। आगे बढ़ने से पहले हो सकता है आपके कंप्यूटर में भी इस तरह की समस्या आए, तो पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ टास्क बार में राइट साइड में नीचे की ओर आप डेट और टाइम देख रहे हैं, पर ये दोनों स्पष्ट नहीं है। डेट में महीना पहले है और उसके बाद तारीख है, और इसी तरह टाइम में 14:08 हो रहे हैं। विदेशों में इस तरह का चलन है, पर हमारे यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ क्लिक करके डेट एंड टाइम को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि आज 31 मार्च है और समय 2:08 का है। हम भारत में जो चलन है उसके हिसाब से इसे ठीक कर लेते हैं। उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग्स की विंडोज आएगी, इसमें रीजन एंड लैंग्वेज पर क्लिक करें। अब फॉर्मेट के नीचे दिखाई पड़ रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक लिस्ट आएगी, इसमें इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करें। देखिए शॉर्ट डेट में DDMMYYYY लिखा आ रहा है और हमें यही चाहिए। अब हम शॉर्ट टाइम के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ TTHHMM सिलेक्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम में TTHHMMSS सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करें। ये देखिए हमारे देश के हिसाब से डेट और टाइम आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप पिछले या अगले किसी महीने या वर्ष का कैलेंडर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पॉइंटर रखकर माउस से क्लिक करें। वर्ष बदलने के लिए जहां मंथ और ईयर दिख रहा है उस पर क्लिक करें। ये देखिए अभी जो ईयर दिखाई पड़ रहा था वो ऊपर आ गया है, साथ ही 12 महीनों के नाम आ रहे हैं। यदि आप ईयर बदलना चाहते हैं तो इन एरोस की सहायता से बदल सकते हैं। इसके बाद यहीं से आप महीना सेलेक्ट कर सकते हैं।
देखिए, ऐसा करते ही आपने जो वर्ष और माह सिलेक्ट किया था उसका कैलेंडर आ गया है। अब यदि आप दिखाई पड़ रहे माह के अगले या पिछले महीने का कैलेंडर देखना चाहते हैं तो इन एरोस की सहायता से भी देख सकते हैं। कैलेंडर से बाहर आने के लिए यानी कैलेंडर बंद करने के लिए कैलेंडर के बाहर कहीं पर भी माउस से क्लिक कर दें। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने जो भी चेंजेस किए थे उनका कोई भी प्रभाव वर्तमान तारीख पर नहीं पड़ा, वो यहाँ पर पूर्वानुसार ही है। अब देखते हैं कि यदि आपका कंप्यूटर डेट एंड टाइम सही नहीं बता रहा हो तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। डेट एंड टाइम सेट करने के दो तरीके हैं। पहला बहुत सरल है, उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चालू होना जरूरी है, और दूसरा यदि इंटरनेट चालू नहीं है तो आप ये काम मैन्युअली कर सकते हैं। हम पहले मैन्युअल तरीके को समझ लेते हैं। यदि आप यहाँ दिखाई पड़ रहे डे, मंथ, ईयर या टाइम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर माउस से क्लिक करें, फिर चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करें। ऐसा करते ही डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करें। ऐसा करते ही कैलेंडर दिखाई पड़ेगा, इसमें से आप पहले बताए अनुसार ईयर और मंथ बदल सकते हैं। इसके बाद यदि आपको टाइम चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ 2:19 हो रहे हैं, इसे हम 11:13 करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करें, फिर यहाँ दिखाई पड़ रहे एरोस पर क्लिक करके आप जो समय चाहते हैं वो ला सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इन्हें सिलेक्ट करने के बाद सीधे टाइप भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने मिनट और सेकंड में भी चेंजेस कर लिए हैं। शुरू में आप यहाँ पीएम देख रहे हैं, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। एएम और पीएम ये दर्शाने के लिए होता है कि समय सुबह का है, दोपहर का है या फिर रात का। पीएम का उपयोग दोपहर के 12 से लेकर रात 12 के पहले तक के लिए किया जाता है, जबकि रात के 12 से लेकर दिन के 12 के पहले तक के लिए एएम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सुबह जब 11:55 होते हैं तो उसे कहा जाएगा 11:55 AM, और जब रात को 11:55 होते हैं तो उसे कहा जाएगा 11:55 PM। यहाँ पर आप टाइम की तरह ही इस पर डबल क्लिक करके एरो की सहायता से AM या PM सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमने अपने अनुसार सेटिंग कर ली है। अब यहाँ नीचे ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ भी ओके पर क्लिक करें। देखिए, हमने जो सेटिंग की थी उसका परिणाम यहाँ डेट एंड टाइम में दिखाई पड़ रहा है। आइए अब देखते हैं कि यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चालू है तो आप किस तरह से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। उसके लिए डेट एंड टाइम पर क्लिक करें, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करें, यहाँ इंटरनेट टाइम पर क्लिक करें, अब चेंज सेटिंग पर क्लिक करें, अब अपडेट नाउ पर क्लिक करें। देखिए, ऐसा करते ही डेट एंड टाइम ठीक हो गए हैं। अब ओके पर क्लिक करें, यहां भी ओके पर क्लिक कर दें। ध्यान रखें कि यदि आपके कंप्यूटर का समय ठीक नहीं होगा तो गूगल में कुछ भी सर्च करने में या कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग करने में आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए अब आपको हम बता देते हैं कुछ गैजेट्स के बारे में। इसमें हमें दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कुछ छोटे छोटे उपकरण मिलते हैं। इनकी सहायता से हम तत्काल मौसम, समय, समाचार इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन्हें डेस्कटॉप पर लगाकर रख सकते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें गैजेट्स पर क्लिक करें। देखिए, यहाँ पर कई तरह के गैजेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से कुछ मुख्य का उपयोग समझ लेते हैं। कैलेंडर पर माउस का पॉइंटर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखते हुए कैलेंडर को ड्रैग करके डेस्कटॉप पर कहीं ले जाकर माउस का बटन छोड़ दें।
यदि आप कैलेंडर की साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो इस पर पॉइंटर ले जाएं और यहाँ दिखाई पड़ रहे एरो के निशान पर क्लिक करें। यहाँ पर यदि आप वर्ष, माह या तारीख बदलना चाहते हैं तो जिस तरह हमने डेट एंड टाइम में बताया था उसी तरह डबल क्लिक करके बदल सकते हैं। यदि आप वापस इसे छोटा करना चाहते हैं तो फिर से एरो पर क्लिक करें। आइए अब क्लॉक को समझ लेते हैं। उसके लिए क्लॉक पर माउस पॉइंटर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखते हुए ड्रैग करके क्लॉक को डेस्कटॉप पर कहीं भी ले जाकर रख दें। यदि आप इस घड़ी का लुक बदलना चाहते हैं तो इस पर पॉइंटर ले जाएं और यहां दिखाई पड़ रहे ऑप्शन के निशान पर क्लिक करें। अब आप यहां दिखाई दे रहे एरोस की सहायता से अपनी पसंद के लुक पर जाएं। और फिर ओके पर क्लिक करें। अभी आपके दोनों गैजेट्स यहाँ फिक्स हो गए हैं और ये तब तक बने रहेंगे जब तक आप इन्हें हटाएंगे नहीं, और जब आपको इन्हें हटाना हो तो आप इस पर पॉइंटर ले जाएं और क्रॉस के निशान पर क्लिक करके इन्हें हटा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।